हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं XRP क्रिप्टो करेंसी के बारे में। XRP रिपल नेटवर्क का यूटिलिटी टोकन है या यूटिलिटी क्रिप्टो करेंसी है जो कि इनके पूरे इकोसिस्टम में यूज़ होती है एंड ये एक बहुत ही पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी है। टॉप 10 क्रिप्टो करेंसीज में XRP का नाम आता है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे गाइस कि XRP क्रिप्टो करेंसी क्या है, इसका क्या फ्यूचर है, फंडामेंटली कितना स्ट्रांग है एंड इस टाइम पे क्या XRP में इन्वेस्ट करना हमारे लिए सही रहेगा। इसके अलावा XRP से जुड़ी कुछ अपडेट्स के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं एंड ये काफ़ी ज़्यादा मैटर करेंगी इसके प्राइस को फ्लक्चुएट करने में। तो यार, वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। XRP से रिलेटेड जो भी चीज़ें आप जानना चाहते हो इस वीडियो के बाद आपके सारे डाउट्स दूर हो जाएंगे। तो चलो फिर वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले गाइस हम समझ लेते हैं कि XRP है क्या। तो XRP रिपल लैब्स नेटवर्क की नेटिव क्रिप्टो करेंसी है जिसका कि यूज़ ग्लोबल लेवल पे पेमेंट्स के लिए किया जाता है। बेसिकली रिपल लैब्स एक ओपन सोर्स डिसेंट्रलाइज्ड एंड ब्लॉकचेन बेस्ड टेक्नोलॉजी कंपनी है जो कि ग्लोबल लेवल पे पेमेंट्स की सर्विस प्रोवाइड करती है। तो ये चीज़ तो आपको पता ही होगी कि कंट्री टू कंट्री ट्रांजेक्शन करने में कितनी सारी प्रॉब्लम आती है। अगर हम US से इंडिया में करेंसी भेजते हैं तो पहले उसका करेंसी कन्वर्जन होता है, उसके बाद वो पैसा हमारे अकाउंट में आता है और इस सारे प्रोसेस में 3 से 4 दिन तक लग जाते या 8 डेज तक लग जाते हैं। बट रिपल एप्स की जो सर्विस है रिपल नेट, उसके थ्रू ये ट्रांजेक्शन विद इन 4 to 5 seconds के अंदर प्रोसेस हो जाता है। तो रिपल नेट की इसी सर्विस की वजह से बहुत सारे बड़े बड़े बैंक्स एंड वेंचर्स ने इनके साथ पार्टनरशिप कर रखी है एंड ग्लोबल लेवल पे ये पेमेंट्स की सर्विस प्रोवाइड करते हैं जहां पर XRP का भी यूज होता है। तो XRP के बारे में और ज़्यादा डिटेल में समझने के लिए चले चलते हैं इनकी वेबसाइट पे। तो ये है गाइस XRP की ऑफिशियल वेबसाइट ripple.com एंड यहाँ पर फर्स्ट लाइन में ही लिखा हुआ है XRP द बेस्ट डिजिटल एसेट फॉर ग्लोबल पेमेंट्स। एंड इसे हम थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे हमें XRP की डिटेल्स मिल जाती है, जहाँ पर पहला क्वेश्चन है व्हाट इज XRP और उसके बारे में बताया गया है। तो जो चीज़ मैंने बताई वही यहाँ पर लिखा हुआ है, XRP इज अ डिजिटल एसेट बिल्ड फॉर पेमेंट्स। एंड फर्दर यहाँ पर लिखा गया है XRP कैन बी सेंट डायरेक्टली विदाउट नीडिंग अ सेंटर immediately, making it convenient instrument in bridging two different currencies quickly and efficiently. तो basically guys, XRP के थ्रू आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री में पैसा भेज सकते हो और इसमें किसी भी तरीके की सेंट्रल इंटरमीडिएटरी की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी करेंसी XRP के थ्रू ही ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगी। इसके बाद गाइज यहाँ पर रिपल नेट के बारे में बताया गया है और रिपल नेट इनका सबसे पॉपुलर प्रोडक्ट है जिसके थ्रू ये पेमेंट्स पॉसिबल हो पाते हैं एंड ग्लोबल पेमेंट्स के लिए रिपल नेट का ही यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर गाइज लिखा हुआ है रिपल नेट कस्टमर्स कैन यूज XRP फॉर सोर्सिंग लिक्विडिटी इन क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शंस इंस्टेड ऑफ प्री फंडिंग इंश्योरिंग इंस्टेंट सेटलमेंट। तो इसके बारे में और जानने के लिए गाइज हम लर्न अबाउट रिपल नेट पे क्लिक करेंगे। तो बेसिकली रिपल नेट के साथ बहुत बड़े बड़े वेंचर्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने पार्टनरशिप कर रखी है जिनके थ्रू ये ट्रांजेक्शन प्रोसेस हो पाते हैं एंड यहाँ पर कुछ फेमस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के नाम भी दिए गए हैं। पहला है बैंक ऑफ अमेरिका जो कि USA का बैंक है एंड इट इज़ वेरी पॉपुलर, अमेरिकन एक्सप्रेस जो कि एक पेमेंट सर्विस है एंड बात करें इंडिया या एशिया की तो यहाँ पर इंडसइंड बैंक और SBI रेमिट ने भी इनके साथ पार्टनरशिप कर रखी है जिनके थ्रू ये पेमेंट प्रोसेस करवाते हैं। एंड इसके बाद इनका जो रिपल नेट कैसे काम करता है वो सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है, कैपेबिलिटीज या जो इसके एडवांटेजेस हैं रिपल नेट यूज करने के वो यहाँ पर दिए गए हैं। तो ये हो गया रिपल नेट जिसके थ्रू ये ग्लोबल पेमेंट्स पॉसिबल हो पाते हैं। नेक्स्ट इनका प्रोडक्ट है रिपल एक्स जो कि एक डेवलपमेंट का प्लेटफॉर्म है जहां पर क्रिएटर्स एंड डेवलपर जाके एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हैं एंड यहाँ पर भी पेमेंट्स के लिए XRP का यूज होता है। तो इन्होंने एक पूरा इकोसिस्टम बना रखा है जहां पर XRP के अलग अलग यूज केसेस हैं एंड बहुत सारे थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से भी इन्होंने पार्टनरशिप कर रखी है जहां पर XRP यूज होता है। एंड लास्ट में गाइस हम स्क्रॉल करेंगे तो यहां हमें XRP पेमेंट्स के बेनिफिट्स के बारे में बताया गया है। सबसे पहली खासियत है XRP पेमेंट्स की कि ये फास्ट है। यहां पर लिखा हुआ है पेमेंट मूविंग अक्रॉस द XRP लेजर सेटल इन 4 seconds। तो 4 सेकंड के अंदर XRP लेजर पर जो ट्रांजेक्शन किया जाता है वो सेटल हो जाता है। जहां पर इन्होंने कंपेयर करा है BTC लाइटकॉइन और इथेरियम से। बिटकॉइन का जो एक ट्रांजेक्शन सेटल होता है वो 60 मिनट तक का टाइम लेता है, लाइटकॉइन का 10 मिनट तक का, इथेरियम का 2 मिनट तक का एंड XRP 4 सेकंड के अंदर ट्रांजेक्शन सेटल करता है। तो इनकी कंपैरिजन में आप देख सकते हो कि जो XRP की स्पीड है वो कितनी ज़्यादा फास्ट है। नेक्स्ट फीचर है गाइस स्केलेबिलिटी का एंड XRP नेटवर्क 1500 ट्रांजेक्शंस हैंडल कर सकता है पर सेकंड एंड 24/7 एंड ये क्लेम करते हैं कि इनकी जो स्केलेबिलिटी है यानी ट्रांजेक्शन करने की कैपेसिटी है वो वीज़ा से भी ज़्यादा है। एंड यहाँ पर फिर से इन्होंने कंपेयर कर रखा है BTC एंड इथेरियम से। इथेरियम 15 ट्रांजेक्शन पर सेकेंड प्रोसेस करता है एंड BTC 3 से 6 ट्रांजेक्शन, बट XRP 1500 ट्रांजेक्शन प्रोसेस कर सकता है। तो स्केलेबिलिटी के मामले में भी ये बिटकॉइन एंड इथेरियम से बेटर है। तो आई होप अब आपकी समझ में आ गया होगा कि XRP एक्चुअल में है क्या और ये कैसे काम करता है।
अब हम बात करते हैं XRP की करंट सिचुएशन के बारे में एंड इसके इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में कि राइट नाउ XRP के साथ हमें क्या करना चाहिए, अगर हमारे वॉलेट में है तो हमें उसे होल्ड करना चाहिए, या फिर अगर आपने इन्वेस्ट नहीं किया है, प्लान कर रहे हो या उसके बारे में रिसर्च कर रहे हो, तो हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए XRP में इन्वेस्टमेंट के लिए। तो इसके लिए गाइस हम XRP के चार्ट को ओपन कर लेते हैं कॉइन मार्केट कैप पर। ओके, सो यहाँ पे गाइज हमने XRP के चार्ट को ओपन कर लिया है एंड यहाँ पर मैंने 30 डेज का चार्ट ओपन कर रखा है एंड आप देख सकते हो पिछले 30 दिनों के अंदर इसका जो प्राइस है वो 5.05% से डाउन हुआ है। एंड बात करें 90 डेज की तो यहाँ पर इसके प्राइस में 2.21% का डाउनफॉल देखने को मिला है। एंड पिछले 3 महीने से क्रिप्टो करेंसी मार्केट डे बाई डे डाउन जा रहा है, फिर भी XRP पे उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है। अगर हम बात करें BTC की तो उसका चार्ट आप यहाँ पे देख सकते हो, प्रीवियस 90 डेज में आप देख सकते हो बिटकॉइन का प्राइस 19.14% से डाउन हुआ है, बट वहीं पर XRP का प्राइस सिर्फ 2.21% ही डाउन हुआ है। तो आप सोच सकते हो XRP की जो कम्युनिटी है वो कितना स्ट्रांगली XRP को होल्ड कर रही है, जिसकी वजह से इस बियर मार्केट में भी XRP के प्राइस पे उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। एंड लास्ट 7 डेज की बात करेगा तो यहाँ पर 6.73% का स्पाइक देखने को मिला है XRP में। एक्चुअली रिपल पर एक लॉ सूट किया था SEC यानी अमेरिका का जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन है उसने, जैसे इंडिया का SEBI है जो कि पूरी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को मैनेज करता है, जो भी कंपनीज हैं या जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनके पैसों का ध्यान रखता है, उसी तरीके से अमेरिका में SEC है। तो SEC का कहना यह था कि जो रिपल ऐप्स के फाउंडर्स हैं उन्होंने XRP क्रिप्टो करेंसी को एज अ क्रिप्टो करेंसी नहीं बल्कि एज अ सिक्योरिटी बेचा है, जैसे स्टॉक या बॉन्ड होते हैं कुछ उस तरीके से, विदाउट कंप्लीटिंग एनी फॉर्मेलिटीज़। बट रिपल लाइव इसे डिनाई कर रहा था और वो बोल रहे थे कि हमने ऐसा कोई रूल ब्रेक नहीं किया है। एंड जब XRP को बड़े बड़े एक्सचेंजेस पर ट्रेडिंग के लिए लिस्ट किया जा रहा था तब SEC ने किसी भी तरीके का उनको नोटिस नहीं दिया और ना ही किसी भी तरीके की वार्निंग दी, उस टाइम पे सब कुछ ओके था। एंड बाद में ये बोल रहे हैं कि आपने इलीगल तरीके से इसकी लिस्टिंग या सेलिंग करवाई है। एंड SEC रिपल लैब्स की इस डिफेंस नोटिस को स्ट्राइक डाउन कराने की कोशिश कर रहा था कोर्ट में, बट कोर्ट ने इसे डिनाई कर दिया है और अब इस बात के बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि ये जो मामला है ये पूरा सेटल हो जाए। और जैसे ये सेटल होता है XRP का प्राइस बहुत तेजी से मूव कर सकता है। इनफैक्ट इसी छोटी न्यूज से ही इस बेयर मार्केट में भी XRP का प्राइस 6-7% तक बढ़ गया था। एंड करंटली गाइस XRP ट्रेड कर रहा है $0.78 के प्राइस पे, इंडियन रुपीस की बात करें तो 60 रुपीज के आसपास। एंड इसका जो ऑल टाइम हाई है गाइस वो है 3.84 USDT। तो सोच सकते हो जो करंट प्राइस है वो उसके ऑल टाइम हाई के 22% या 23% ही है। तो इस टाइम पे आप XRP को डेफिनेटली पिक कर सकते हो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए एंड हो सकता है इस लेवल पे दोबारा आपको XRP देखने को ना मिले। जो लोग इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो फंडामेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्रिप्टो करेंसी है, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। एंड आप इसकी रैंकिंग देखो यार, 6th मोस्ट वैल्यूड क्रिप्टो करेंसी है बाय मार्केट कैप। तो XRP फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है एंड ये रियल वर्ल्ड की बहुत ही जेन्युइन प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, जिसकी वजह से इसकी जो ग्रोथ है वो डे बाय डे होती रहेगी। एंड जितना ज्यादा XRP का यूज केस बढ़ेगा उतना ही ज्यादा इसका प्राइस बढ़ेगा। तो डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट के लिए ये एक बहुत ही अच्छी क्रिप्टो करेंसी है, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। बट हां, फिर भी आप खुद की रिसर्च जरूर कर लेना, बिकॉज क्रिप्टो करेंसी मार्केट काफी ज्यादा रिस्की है, तो यहां पर कुछ भी हो सकता है एंड जो ग्लोबल फैक्टर्स हैं वो भी काफी ज्यादा मैटर करते हैं। आज के टाइम पे XRP के साथ सब कुछ अच्छा चल रहा है, कल को कोई बैड न्यूज आती है तो डेफिनेटली वो इस पर इफेक्ट करेगा। तो इतना रिस्क तो क्रिप्टो करेंसी में हमेशा से ही इंक्लूड रहता है, तो उसको आपको ध्यान में रखना है। तो आई होप XRP से रिलेटेड जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में प्रोवाइड करने की कोशिश करी है वो आपको काफ़ी यूजफुल लगी होगी। एंड अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, कॉमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन, क्वेश्चन, सजेशन जो भी आपके माइंड में है वो जरूर छोड़ देना। एंड लास्टली गाइस, अगर आप इस चैनल पर नए आए हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, बेल आइकन ऑन कर लो, जैसे कि जब भी मैं कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँच सके। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड take care।